हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आम का सीज़न है तो क्यों ना आज कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाई जाए, जो बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं कच्चे आम, ये मैंने आधा किलो लिए हैं। इसे मैंने छील लिया है और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसके बाद हम लेंगे एक पैन, इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं तो आप घर में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब गैस को हमें लो रखना है और अब डालेंगे चुटकी भर हींग। इसके बाद डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च। जब ये दोनों चीज़ें तड़क जाएंगी उसके बाद हम डालेंगे 1/3 छोटी चम्मच मेथी दाना, आधी छोटी चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा और सभी चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। जब ये पक जाएंगे तब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने कच्चा आम काट के रखा था, वो डाल देंगे और अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे एक बार मिक्स करने के बाद इसमें हमने कुछ मसाले भी ऐड करने हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच काला नमक और अब डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों से इस चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक कर इसे हमें पका लेना है। अब हमारी चटनी जो है धीमी आंच पे पक रही है, तब तक हम गुड़ ले लेते हैं। ये मैंने लिया है 200 ग्राम गुड़, इसे मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। अब इसे हम अपनी चटनी में ऐड कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हम खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए पानी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। अब हम ऐड करेंगे गुड़। फिर से एक बार और मिक्स करके कम से कम इस चटनी को हमें 10 मिनट के लिए या उससे कम आप चेक कर सकते हैं हमें पकाना है। अब फिर से इसे हम ढक देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारी चटनी। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी का कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया और बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।